नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, नवरात्र में प्रथम दिन घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। देवी के हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल शोभा दे रहा है। नंदी बैल पर सवार माँ शैलपुत्री को उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री को लेकर एक प्रचलित कथा भी है कि पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री का नाम सती था। वे भगवान शिव की पत्नी थी और एक बार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ करवाया और उसमें तमाम देवी देवताओं को शामिल होने का निमंत्रण भेजा। सती भी उस यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल थी। हालांकि प्रजापति दक्ष ने सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, इसीलिए भगवान शिव वहां नहीं गए। भगवान शिव ने सती को कहा कि प्रजापति दक्ष ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया, इसीलिए वहां जाना उचित नहीं होगा। लेकिन सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने लगी। ऐसे में भोलेनाथ मान गए और उन्होंने यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति के दक्ष यहाँ पहुँची तो उन्हें देखा कि वहाँ ना तो कोई उन्हें आदर कर रहा है और ना ही कोई प्रेम भाव से मेल मिलाप कर रहा है। सती की माँ को छोड़कर सभी ने मुख फेरा हुआ था, यहाँ तक कि उनकी सगी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी, पति महादेव का तिरस्कार कर रही थी, स्वयं प्रजापति दक्ष भी उनका अपमान कर रहे थे। सती सबका ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाई और अंदर से बहुत दुखी हो गई। वह अपने पति का अपमान सहन ना कर सकी और बाद में सती ने ऐसा कदम उठाया जिससे कि कल्पना स्वयं दक्ष प्रजापति ने भी नहीं की। सती ने यज्ञ में कूद कर आहुति दे दी और भस्म हो गई, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का पता चला, वे क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में ज्वाला के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और कहते हैं फिर सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। पूजा के लिए प्रतिमा को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा कर स्थापित किया जाता है और माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्रें बहुत प्रिय होती हैं, इसलिए माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र या फूल मिठाई अर्पित की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन उपवास में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और अनेक सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। जीवन में समस्त कष्ट कलेश नकारात्मक शक्तियों का नाश भी होता है। एक पान के पत्ते पर सुपारी लौंग मिश्री रख कर माँ शैलपुत्री को अर्पण करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह अद्भुत और अनोखी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा।